जी क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आम शैम्पू को खास बना सकते हैं और महंगे बिल्कुल महंगे शैम्पू के जैसा आप इसके रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हम अपने आम शैम्पू में कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे जो कि हमारे शैम्पू को जो बनाएंगे खास और हमें देंगे 10 गुना बेनिफिट। 10 गुना बेनिफिट्स मिलेंगे इसके, और इसको इस्तेमाल करके आप अपने बाल को सिल्की नरम मुलायम थिकर लॉन्ग हेयर बना सकते हैं और अपने बालों को जो है हेयर फॉल से निजात दिला सकते हैं। अपने जो इन चीज़ों का जो बैठ करके अपने शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शैम्पू के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपको जो है पूरे पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं इन चीज़ों के जब आप शैम्पू को इसके साथ यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे ले लेते हैं खाली बॉल। खाली बॉल के अंदर हम ऐड करेंगे, ये मैंने जो है क्या कहते हैं मेथी को रात में भिगो दिया था। रात में भिगो कर जो है इसको रखा है, तो इसका जो जो है पानी है ये इसको हम ऐड करेंगे। फिर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसको यहाँ पे ऐड ले लिया है, ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये प्याज का जो अर्क हमने निकाला हुआ है इसको ऐड कर देंगे। फोर टेबल स्पून के करीब मैंने इसको ऐड कर दिया है। प्याज का अर्क जो है वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट सकता है, ये इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हेयर फॉल से निजात दिलाता है और इसके वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। आप इसको खाएंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, इसको लगाएंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। हम इसके साथ हम ऐड करने जा रहे हैं एलोवेरा जेल। ये फ्रेश जो है प्याज का एक्सट्रैक्ट हमने यूज़ किया है, इसके साथ ही इसके अंदर जो है हम फ्रेश एलोवेरा जो जेल है उसको हम यूज़ करेंगे। ये भी 2 टेबल स्पून के 2 टेबल स्पून के करीब है। इसको हमने अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हमने ऐड किया है मेथी दाने का पानी ऐड किया है इसके अंदर, और इसके साथ इसके अंदर हमने ऐड किया है प्याज का अर्क इस्तेमाल किया है, और इसके साथ इसके अंदर हमने ऐड कर दिया एलोवेरा जेल। ये सारा तमाम चीज़ें जो है बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होती हैं। मेथी जो है बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट सकता है, बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है और सिल्की शाइनिंग बनाता है, और जेल जो है एलोवेरा जेल ये भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके जो बालों को जो है हेयर फॉल से निजात दिलाता है, बालों को सॉफ्टनेस देता है, सिल्की शाइनिंग बनाता है, और प्याज जो है ऑलरेडी आप उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट सकते हैं। इसमें जो क्या कहते हैं विटामिन होते हैं, इसके अलावा जो सल्फर उसके अंदर होता है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, बालों को हेयर फॉल से निजात दिलाता है और बालों को थिकर बनाते हैं, लॉन्गर बनाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं ग्लिसरीन को। ये ग्लिसरीन मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब, इसके अंदर हम ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। ग्लिसरीन बालों को सॉफ्टनेस देता है और जो हमारी इस जो स्कैल्प होती है वो ड्राई हो जाती है उसको सॉफ्टनेस देता है और हेयर फॉल से निजात दिलाता है, जिसके वजह से बाल जो है जो हमारे रूट्स होते हैं उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है तो बाल जो है वो टूटना कम हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो है हम ऐड करने जा रहे हैं कोई भी शैम्पू जो है आप लेंगे उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं शैम्पू ऐड करने जा रही हूँ, किसी भी शैम्पू को आप ऐड कर सकते हैं अंदर इसके अंदर। शैम्पू को ऐड कर दिया मैंने, इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया शैम्पू, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ एसेंशियल ऑयल। मैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करूँगी, आप उसके अलावा कोई सा भी ऑयल जो एसेंशियल ऑयल है रोजमेरी के एसेंशियल ऑयल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एसेंशियल ऑयल होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए। तो ये लेवेंडर जो है ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, स्किन को बेनिफिट देता है, बालों को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसकी एक तो प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा ये जो है ये शैम्पू जो है ये 10 गुना बेनिफिट देगा, और हमारे शैम्पू बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आम शैम्पू की तरह से जिस तरह से आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के लिए आप बिल्कुल उसी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसको आप फ्रेश बनाइए, फ्रेश बना करके इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर बच जाते तो इसको सेकेंड टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको कोशिश कीजिए कि फ्रेश इसको बनाइए और फ्रेश बना करके अपने बालों में अप्लाई कीजिए तो आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये बना करके आप अपने बालों को सिल्की शाइनिंग सॉफ्टनेस बना सकते हैं। बाजार से जो हम शैम्पू खरीदते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो चीज़ें ऐड भी हों,
तो उनके रिजल्ट से जो है मिलते हैं, मगर इससे ज़्यादा 10 गुना रिजल्ट जो है वो आपको इससे मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये शैम्पू रेडी हो चुका है, इसको अप्लाई कीजिए। मेरी बिल्कुल आप उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।